नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। लगातार टेकरी बॉर्डर से हम आपको धरातल से जुड़ी उन तमाम तस्वीरों से रूबरू करवा रहे हैं और इस वक्त मैं टेकरी बॉर्डर पर ही हूं। हालांकि टेकरी बॉर्डर से अभी तक भी हमारा फासला करीब 10 किलोमीटर तक का अभी भी बचा है, मगर इस वक्त हम जिस कमरे या फिर जिस हॉल में खड़े हैं ये किसानों ने ईजाद किया है एक नई तकनीक के साथ। आप इसीलिए तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि किस तरीके से एक पूरे तरीके से एक टेंट सिटी आपको नजर आएगी। किसानों के पास वो तमाम हाईटेक से हाई उससे भी बढ़कर टेक्नोलॉजी के साथ वो तमाम सुविधाएं हैं, क्योंकि इस कड़ाके की सर्दी में किसान को ये एहसास ना हो सके कि उसे ठंड महसूस हो या फिर उसे इस ठिठुरन का सामना करना पड़े। किसान आप देख सकते हैं कितनी एक हाई टेक्नोलॉजी के साथ इस पूरे टेंट को यहाँ पर सेट किया गया है। करीब 60 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा ये टेंट है, जिसमें 200 लोगों के आराम करने की सुविधा यहाँ पर प्रदान की गई है। और अगर सर यहाँ पर अगर मौसम ख़राब होता, अगर बारिश भी आती है तो भी नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि इसके ऊपर तिरपाल वगैरह और तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। दूसरी बड़ी बात है, लाइटिंग की भरपूर व्यवस्था की गई है, रात को भी यहाँ पर दिन का सहज अंदाजा लगता है। दूसरी बड़ी बात है, नीचे बैटिंग करते हुए गद्दे यहाँ पर लगाए गए हैं और उनके अलावा यहाँ पर पूरी तरीके से रजाई और तमाम बेडशीट की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। और ये आप हम आपको दिखा रहे, एक बहुत बड़ा आपको गोदाम टाइप्स नज़र आएगा और ऐसा लगता है किसानों ने एक पूरे की पूरी बिल्डिंग ही यहाँ पर उतार दी। मेरे साथ बहुत सारे किसान हैं, हम आपको उनसे भी मिलवाते हैं जो लगातार इस टिकरी बॉर्डर पर जुटे हुए हैं और लगातार इस पूरे किसानी संघर्ष में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तमाम किसान हमारे साथ हैं। सबसे पहले सरदार हमारे साथ, सरदार जी सब गुरलाल सिंह जी, हाँ जी सवराज सिंह जी हमारे साथ हैं मरदादू से। सर, बड़े हम हैरान हो रहे हैं, इतनी तरीके से आपने टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर तमाम सुविधाएं जुटाई है जी सर, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर? सर महसूस कीजिए, पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं जी। शुक्रिया सर। दूसरी बात है, परमात्मा का शुक्राना करते हैं जो सरकार इस आंदोलन को ऐसे सोच रही है भी सरदार जी कुल आलम दुनिया का जो भी बंदा है किसान अनपढ़ है और सूझवान नहीं है, सीधा साधा है, इसको हम ऐसे ठुकरा देंगे, आंदोलन को ख़राब कर देंगे, ये बात सरकार आपके दिमाग से निकाल दे। जो भी पत्रकार जहाँ पर आते हैं, जो भी श्रद्धालु जहाँ पर आते हैं, सेवादार आते हैं, जो भी किसान इत्थे रह रहे हैं, हम 20 दिन से 25 दिन से रह रहे हैं, हमारा पहले लड़का आया है, हमारे गांव से 20 आदमी फिर आए हैं, फिर आते जाते रहते हैं, हमको तो ऐसा लगता है जैसे खेत गए और दिल्ली गए, मतलब दिल्ली भी अब कदमों में आ गई है जमा जी। हमारे को ऐसा नहीं लगता भी हम आर परिवार छोड़कर, माँ बाप छोड़कर दिल्ली कहाँ बैठे हैं, घर से भी अच्छी नींद आती है, अच्छी असर सुविधा है खाने की पीने की, हम तो जी रिश्तेदारों की खातर ले आते हैं फल फ्रूट और बादाम और सब्जियां, दूध दही स्पेशल लेते हैं हम गांवों में भी, आज रिश्तेदार आएंगे, हम तो जी सरकार के 6 महीने से ही रिश्तेदार बन गए, ऐसे खाते हैं नज़ारे से और दंड बैठ कर काटते हैं, नींद अच्छी सोते हैं, हमारे को इस सरकार का कोई डर नहीं है। सर वो कहते होंगे ना जिम्मे न्याई वाला खेत, मन लगता है दिल्ली तो हम जिम्मेदारों को न्याई लगन लग गया। हाँ, जो दिल्ली है जी ये तो सानू ए लगता है भी एक खेत गए दूजे खेत आ गए, ठीक है। और सुविधा की बात करें, हमारे जिमींदार पमा किसी को 1 किला जमीन है, पमा किसी को 10 किले है, पमा किसी को 100 किला है, हर बंदा इच्छे पहुंचे है, कोई लंगर का कोई शोर शराबे का कोई किसी की निगाह में फर्क नहीं, ऐसा प्रेम है। फिर रहने सहने की सुविधा की बात करें, हमको ऐसे नहीं लगता भी कोई रोहतक से आ रहा है, कोई गाजियाबाद से आ रहा है, कोई हिसार से आ रहा है, कोई मठ दादू से आ रहा है, कोई डबबड़ी से आ रहा है, कोई तरन तरन से आ रहा है। हमारे भाइयाँ आओ भाई, आओ हमारे कमरे में, आपको आपको खोआ खिलाया है ना, खोआ ऐसे खिलाते हैं, बहुत ज़्यादा बादाम खिलाते हैं, गच्च का ट्राली आई है, लड्डुआ दे ट्रक आए इत्थे, क्या बात करते हैं, ये सरकार क्या करती है, इसको दिमाग खराब हो गया इसका। सर सरकार सोचती है ठंड मरदा तूफान नेरी आओ, किसान डरदा भज जूगा, लगता है किसानों ने तो आपके पूरे महल उसारते सर। नहीं जी, किसान जो जमदा ना जमदा सप्पन दिया सिरिया से धर के पैर बड़ा हुंदा है किसान का पुत, किसान नू कोई डर नहीं इस चीज़ का, ऐसी नींद आती है, नज़ारे लियाते जी इत्थे।
वाशिंग मशीना तो लैके प्रेस बिजली वाली सारा स्टाफ सारा कुछ ऐसा लगता है बहन चो क्या बात है। हमारे को तो ऐसे लगता है भी मोदी ने कोई ब्याह धरिया है, हमारे को बुलाया है यहाँ पर, हम खुशी खुशी जाते हैं, हमारे बच्चे आए हैं, हमारे तो हमारा तो प्रोग्राम है जो मेरा डिस्ट्रिक्ट सरसा जिला है जी, हमारा मटदादू गांव है भी, हम एक बस लगाएंगे सारे बाल बच्चे को एक बार सारा दिखाएंगे सारे नगर को, क्या बात है, सारे को दिखाएंगे। ये दिल्ली हमारे किसानों के विरुद्ध 3 कानून लाई और जो जड़ा पुटना चाहती है हमारी जड़ डूंगी होगी है जी, पुट्टी नहीं जाएगी ये जड़। हमारे गुरु पीर कैसे थे आपको पता ही है, तत्ती तभी तो बैठे सिर उन्होंने कटाया, वो अंश बंश है जी ये, तो जोड़ा हूँ भाईचारा बनया एदा कोई भी अंत नहीं। सर एक बार भी जेड़ा कोई जवान पिंडों नौजवान या बुजुर्ग इतने आ जाता है कहते वह जानू जी नहीं करता जी, एक खास है जी, मैं एक दिन वास्ते आया सी करो जाना ही भुल गए, जाना भुल गए जी, हूँ घरों हूँ ही फोन आया भी बीमार है फलाना धमका है बेबे है बापू है कित नहीं जान जी करता जी, जमा लगता भी इतें ही है, इतने ना कोई रात का पता लगता जी ना दिन का नज़ारा है जी। ये बहुत वधिया वाशिंग मशीना लगिया है, कपड़े धोन तो होर नहाँ धोन तो पानी पानी की सुविधा जी, दुध की सुविधा पानी ना भी बेहतर है जी, इतने ट्रकों के ट्रक दुध आता हूँ, चलो थोड़ा मैं उ लंगर के चलता है, घट तो घट मेरे लंगर 10 क्विंटल दुध पिया इस टाइम, कोई गप नहीं, लस्सी दियां किन्नियां भरियां पईयां, जिमीदार खांदा पींदा मरूगा, गोला मारे सरकार जिमीदार नूं मार दे कोई दुख नहीं, असीं मरदे नहीं फिर भी शहीद होवांगे, वो किसान नूं इस चीज़ दा इहनूं शहीदी गिणी जाऊगी, किसान की मरिया नहीं गिणा जाऊगा, जिन्ने बंदे मर गए बहुत दुखदाई गल है, परिवार तो विछोड़ा दे गया पर वो बंदे मरे नहीं जी, वो अमर है, शहीद हो गए, जो भी बंदा रोटी खा रहा है सब बंदे नूं दुख है इस कानून का। पहला आते सी भी तुहानूं पता नहीं थोड़े हक की गल है, हुण कोर्ट ने भी कहता जी, वकीलों ने भी कहता, बुद्धिमान जीव बस मोदी तो यही है, दो जने है और कोई बुद्धिमान जीव नहीं, बहुत बुद्धिमान है जी, वो नहीं बुद्धिमान, किसान बहुत बुद्धिमान है जिन्हें अन्न पैदा करके सारी दुनिया नूं पाल रहा है, ठीक है, बहुत वधिया माहौल है जी, बहुत वधिया प्रेम है, इस तरह यू असी दुख नहीं गिनते जी भी असी क्यों बैठे हैं इतने सड़कों पर की हो गया क्यों साढ़े बंदे मर गए, यू असी खुशी गिनते हैं भी साडा भाईचारा ने दूरी अर कायम करता, कोई इतों 1000 किलोमीटर से आया हूँ, साढ़े रामपुरे का मुंडा जी एक सैकल तैयार है अज रात को पहुंचूगा, हाँ पैदल पैदल आ रहा जी, थोड़ा टक्करे होगा 300 किलोमीटर सूँ टक्कर से राह चो आ रहा है, वह मुंडे का धन्यवाद करा और सारे पत्रकारों का सारे जिन्ने साथी नाल जुड़े है खास करके घर बीबिया माइया का भी बहुत वड्डा योगदान है इस काम के परिवार घर सामभ रही इतने बार्डर से बैठे हैं, मरण मरा वाला कोई चक्कर नहीं जी, ये ना अज डरते ना डरते कल बोले सोनिहाल। तस्वीरें आपको दिखाई है किस तरीके से किसान यहां पर दिन रात पिछले एक महीने से लगातार तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करवाए जाने की मांग को लेकर लगातार इस मैदान पर जुटे हैं और इस पूरे जंग को जीतने के लिए किसान मुझे लगता है बहुत करीब पहुंचा है, और आप से भी गुजारिश है अगर आप घर पर बैठे हैं और आप को राय मशवरा कर रहे हैं कि आपको दिल्ली जाना चाहिए, तो आप सारे काम ड्रॉप करते हुए आप दिल्ली इस तीर्थ पर जरूर आइए, शायद अगर आप नहीं आए तो आप जिंदगी में पूरी जिंदगी सोचेंगे कि आपने बहुत बड़ी भूल कर दी, आपको पश्चाताप रहेगा कि आप दिल्ली क्यों नहीं गए थे। आप आइए किसानों के साथ आकर यहाँ पर बैठकर आप कुछ वक्त बिताएं, क्योंकि ये एक ऐसा इतिहास इस देश और दुनिया का बनेगा जहाँ पर इस देश के अन्नदाता खुद इस इतिहास को लिखेंगे, और हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे थे। एक आखिरी तस्वीर हम आपको इस पूरी टेंट सिटी की दिखा देते हैं, 60x20 फीट का ये पूरा एक पूरा ऐसा पंडाल बनाया गया किसानों की तरफ से, जो कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा पैन करते हुए हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर बहुत ही एक रोचक माहौल होता है, इतना बड़ा एक भाईचारा प्यार उमड़ता है, आप एक ट्रॉली को छोड़कर दूसरे पर आएंगे तो वहीं पर भी आपको दो किसान सजदा करने के लिए खड़े हैं कि आइए हमारे पास चाय पीजिए, और न जाने आपको किस किस तरीके का लंगर मिलेगा। यहाँ पर तमाम किसानों के भाईचारे की एक बहुत बड़ी मिसाल है, और तमाम धर्मों के लोग यहाँ पर तमाम उन जात पात से ऊपर उठकर यहाँ पर सेवा में लगे हैं, और
यहां पर लगातार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर की तरफ से भी यहां पर जो लंगर की व्यवस्था की गई है, पंडाल की व्यवस्था की गई है और लगातार यहां पर किसी भी वक्त यहां पर बहुत अच्छा माहौल बनता है। यहां पर किसी तरीके की उलझन जैसी या किसी से उलझने जैसी जरा से भी बात नहीं है। मुझे लगता है यहां तो प्यार का समुंदर ठाटे मारता है। मैंने कई घंटों का वक्त यहां पर बिताया है और जो प्यार यहां पर मिलता है दुनिया के किसी कोने में प्यार नहीं है। हाँ ठीक है, आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी तीर्थ स्थान पर, धार्मिक स्थल पर जाते हैं, आपको शांति जरूर मिलती है वहाँ पर, लेकिन मैं कहता हूँ उससे भी असीम शांति तो आपको किसानों के इस प्रदर्शन में आकर मिलेगी, क्योंकि ये अन्नदाता जो पूरी दुनिया का पेट पालता है, आज इसके ऊपर मुसीबत है तो समझिए पूरे देश पर मुसीबत है। आप सभी से गुजारिश है, आप किसान हित में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ पर संख्या को और बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में किसान दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर जमे हैं और यहाँ पर कई किलोमीटर लंबा जाम नहीं कहेगा, आप कहिएगा किसानों की दुनिया बसी है। दोनों तरफ हाईवे पर अगर आप आएंगे तो ऐसे लगता है पूरे मकान यहाँ पर उतरे हों। किसान, कोई मायूसी नहीं है किसी किसान के चेहरे पर, बल्कि गदगद करते चेहरे इस उम्मीद की क्यास में है कि कब ये तानाशाही सरकार अपने उस रवैयों को छोड़कर किसानों के हित में फैसला ले और किसान यहाँ से खुशी खुशी के साथ यहाँ से निकले। बड़ी उससे भी बात है, किसानों की ये भी तमन्ना है, बहुत जल्द यहाँ से जैसे ही जीत मिलेगी तो अपने पूरे परिवारजनों को यहाँ पर लाकर उनका भ्रमण करवाएंगे, क्योंकि बच्चे घर पर बेताब हैं, आतुर हैं, वो भी चाहते हैं कि जहाँ पर हमारे पिता दादा यहाँ पर बैठे हैं हम भी वहाँ पर पहुँचे। लेकिन सर्दी की वजह से छोटे बच्चों को यहाँ पर लाना ठीक नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर बहुत नॉर्मल होते हैं। टिकरी बॉर्डर से कैमरा पर्सन जस्सी के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।